प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शॉर्ट कट अपनाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आप जैसे लोगों के लिए ही, आपकी पार्टी के लिए ही इस तरह की टिप्पणी विरोधी दलों के लिए। उन्होंने कहा है कि हम भविष्य को देखते हुए बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और उसमें हमारी सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट अपनाती है। मध्य प्रदेश में शॉर्टकट अपनाया, सरकार बनाई, फिर महाराष्ट्र में गई शॉर्टकट अपनाया, सरकार बनाई, और बिहार में उनको शॉर्ट सर्किट लग गया, तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हो, दूरदर्शी है ना, वो समझ गया बिहार में शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे थे, बीजेपी वालों की नीयत काली, इनकी नीयत काली, इनके नियम काले, ये काले कानून लाने वाले हैं, ये काले मन से लोगों को लड़ाने वाले हैं, ये काली सियासत से सत्ता हड़पने वाले हैं, और शायद इसी बात को ये अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि इनका मन काला, ये काले मन से सारी बातें करते हैं, तो इनको सब पता चल गया है, क्योंकि जो जैसा होता है बीजेपी वाले वो समझ गए हैं। इसलिए मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि देश के बारे में सोचिए, ये बीजेपी वाले खाली बात करते रहेंगे परिवार पर, अरे राष्ट्र हमारा परिवार है, आप कहां चक्कर पड़े हो, कहीं महल चौकसी हमारा परिवार थोड़ी है, ना नीरव मोदी हमारा परिवार है, ना विजय माल्या हमारा परिवार है, ना हमारे जो पैसा लेके भागने वाले दूसरे मोदी वो हमारे परिवार है, परिवार राष्ट्र है, यहाँ का गरीब है, जनता है, महिला है, जिनका सम्मान नहीं कर पाते हो आप, जो आपके नेता गालियां देते घूमते अपमानित करते हैं, ये आप परिवार के बारे में समझोगे तब तो जानोगे ना पूरा राष्ट्र परिवार है। इसलिए सत्ता के नाम पे आप सिर्फ बातें करते हो, परिवार को तो आपके यहाँ तो हालत ये है कि परिवार कम पड़ता है तो इंपोर्ट करते हो, जितिन प्रसाद आ जाओ, ज्योतिरा सिंधिया आ जाओ, उधर चौटाला जी आ जाओ, फिर सत्ता बनानी होती तो पीडीपी तुम भी आ जाओ, फिर सत्ता बनानी होती है पंजाब में जाके अकाली दल तुम भी आ जाओ, जहां आ जाओ, इसलिए शिवसेना के साथ भी सरकार बनाए थे। जनता क्यों नहीं समझती आप लोगों की ये बात, खाली टीवी डिबेट में जो बोलते रहते हैं, जनता के बीच क्यों नहीं होता है सर अनुराग भदौरिया जी? दो दिन पहले ये सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, इनसे सवाल पूछो कि पूरे देश में महंगाई तो क्या कहेंगे, अरे आप देखो राजस्थान में कितनी महंगाई है। अब आपसे क्या पूछा, आप क्यों जा रहे हैं राजस्थान, बिहार में देखिए कितना सस्ता है, नीतीश जी कितने अच्छे हैं, आज नीतीश जी बुरे हो गए, सुन तो लीजिए, आज नीतीश जी बुरे हो गए, पहले महाराष्ट्र में कहते महाराष्ट्र कितना बुरा है, राजस्थान से पहले रुक जाते उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान की बारे में हालत है, उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए मैं इनकी बात बता रहा हूँ, किस तरह की बातें करते हैं, इनको राष्ट्र की बात नहीं करती, जनता के ऊपर असर क्यों नहीं होता आप लोगों की बातों का, संपूर्ण राष्ट्र की पिछले तीन चुनावों से देश तो सुन रहा है ये तमाम बातें, असर यूपी की ही बात करें क्यों नहीं असर करता है वहां पर, देखिए देश इसीलिए देश बदल रहा है, ये बीजेपी भगाओ की शुरुआत बिहार से हुई है, और धीरे धीरे पूरे देश में देखो बीजेपी भगाओ का नारा चलेगा, और ये जो भारतीय जनता पार्टी हवा में है ना, हवा में घूमते रहते हैं, दिल्ली की हवा में है, इनका जैसी जमीन पे लैंड होता है इनकी सत्ता चली जाती है। देखा नहीं एक मंत्री क्या कह रहे थे, भैया हम जब चढ़े थे जहाज में तो हम उद्योग मंत्री थे, हम जमीन पुत्र तो हम पैदल हो गए संतरी हो गए।